मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उठ गई हूँ मैं एंड दोबारा से लेट गई हूँ क्योंकि बाहर इतना ज़्यादा कोहरा है ना कि उठने का बिल्कुल भी मन नहीं है। बस अभी पानी वानी, गर्म पानी पी के ऐसे लेटे हुए एंड मनु भी आ गए। देखो देखो फ्रेंड्स, मनु भी आ गए ड्यूटी से एंड ईवा वहाँ पे छुपी हुई है कि पापा आएंगे और मुझे ढूंढेंगे करके। हाँ, पतिदेव की डिमांड है फ्रेंड्स, पूरा तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने आलू प्याज और हरी मिर्च काट लिए पकौड़े के लिए। बस फटाफट से इसका बैटर तैयार करते हैं, उसके बाद फटाफट पकौड़े तलेंगे एंड चाय के साथ खाएंगे गर्मा गर्म पकौड़े। और ठंड का मौसम और पकौड़े मिल जाए तो बात ही क्या है। तो आप लोग भी बनाइए भाई, ठंडा इतना ज़्यादा है, क्या ही करना है घर पे रह के। सो हमने भी सोचा है कि हम भी फटाफट से पकौड़े बनाते हैं और गर्मा गर्म चाय के साथ सब कुछ सर्व करते हैं, फिर हम भी खाएंगे। सो फ्रेंड्स, अभी देखो मेरा जो बैटर है ना, वो अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया है प्याज आलू को। एंड बेसन मैंने ज़्यादा नहीं डाला है, बस इसको मिक्स करने के लिए बेसन चाहिए होता है। तो ज़्यादा बेसन अगर आप डालते हो ना तो बेसन का ही टेस्ट ज़्यादा आता है, तो आप देख सकते हो। एंड फटाफट इसे फ्राई करते हैं, चाय भी तैयार ही होगी लगभग। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मेरे पकौड़े बस रेडी होने वाले हैं। एंड बस इसमें एक गलती मैंने ये कर दी, मैंने नमक टेस्ट नहीं किया है कि नमक कितना होना चाहिए था। बट अभी पहले मनु लोगों को देते हैं तो वो बता ही देंगे कम है या ज़्यादा है, तो मैं बढ़ा लूँगी उसी हिसाब से। मैंने यहाँ पे चाय भी बन गई है मेरी, सो फटाफट से पकौड़े लेके जाते हैं अंदर, थोड़े से और बचे उनको बनाते हैं। देखो मेरा दूध भी अच्छे से बॉयल हो चुका है, तो इसको भी अब बंद कर देते हैं। फ्रेंड्स, अभी पी रहे हैं हम लोग चाय। कैसी हो रही पकौड़ी मनु? बढ़िया, मस्त। आओ खा लो, आप भी खा लो पकौड़ी। फ्रेंड्स, मैंने मिर्च निकाल के दे दी है आलू एंड सॉस, तो उसको ऐसे ही पसंद है क्योंकि बच्चे तो आपको पता ही है स्पाइसी ज़्यादा खाते ही नहीं है। यहाँ पे आप देखो इतने सारे फ्रूट्स पड़े हैं अलग अलग तरीके के, लेकिन हम लोग सब कुछ खाना भूल जाते हैं। तो अभी फटाफट से चीकू काट रही हूँ मैं यहाँ पर। एंड देखो स्ट्रॉबेरी भी ऐसी जब से लाए हैं तब से ऐसी पड़ी हुई हैं। चीकू पड़े, अमरूद पड़े, संतरे पड़े और ये देखो अनार भी पड़े हैं। तो अभी आज उनका ही फ्रूट्स कहीं नाश्ता करते हैं हम लोग फटाफट से। फ्रेंड्स, हो चुकी है शाम, मैंने अभी रेस्ट भी किया था थोड़ा सा, तो अभी जाके उठे हैं हम लोग। सो देखो अंधेरा भी होने वाला है, मन्नू को ड्यूटी भी जाना है। सो अभी फटाफट से मैंने रख दी है चाय, यहाँ पे राजमा भी रख दिए बॉयल करने के लिए। तो फटाफट आज बनाएंगे राजमा, उसमें थोड़े से छोले भी मिक्स कर दिए। सो फटाफट से चाय बनाते हैं, मन्नू को लेट हो जाएगा ड्यूटी के लिए, उसके बाद मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। फ्रेंड्स, अभी हो चुकी है शाम एंड मनु भी ड्यूटी जा चुके हैं। तो ईवा को यहाँ पे करवा रही हूँ होमवर्क। सो ईवा कर रही है अपना होमवर्क, हॉलीडे होमवर्क, क्योंकि अभी कुछ ही टाइम बाद ईवा के स्कूल्स वगैरह भी खुलेंगे। सो वो कर रही है अपना हॉलीडे होमवर्क, तो उसको फटाफट होमवर्क करवाते हैं, फिर मिलेंगे आपसे। उसे कर लेती ना अपना होमवर्क, वेरी गुड। सो ईवा अभी कर रही है बैकवर्ड काउंटिंग। आप मम्मी, मैं बोल रही हूँ ना, जो जो ऑरेंज का फोन आया था ना, उसका नाम तो जो से कोई प्यार करते ना, वो जो हाथ हाथ बढ़ाता है, तो जो कोई प्यार नहीं करता वो नहीं कराता। आप करते तो आप ही बढ़ा दो मुझे, प्लीज मम्मी, प्लीज 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 मम्मी, प्लीज नहीं प्यार नहीं करते तो मैं जाऊँ जाऊँ अपने घर के अंदर कुछ के कर लो, अकेले अकेले पढ़ाई। आप हाथ पकड़ के करा तो प्लीज प्लीज मामा प्लीज। आप तो स्ट्रांग बेबी हो ना मामा के। यहाँ मैं तो गई हूँ। बस इतना सा लिखने से, बैकवर्ड काउंटिंग लिखने से, अभी तो ये फॉरवर्ड भी बची हुई है, जल्दी लिखना है आपको। मैम को, मैम अगर ये वीडियो देख लेगी ना फिर मैम बहुत गुस्सा हो जाएंगी फिर। अरे इसमें तो 1 2 3 4 है। गुड इवनिंग माई यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आज का व्लॉग शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। सो अभी ना सब्जी लेने गई थी, तो वहाँ पर देखो कितनी रेड गाजर आई है, आपको दिखाती हूँ नज़दीक से। ये देखो एकदम रेड रेड गाजर आई है और इतनी अच्छी आई थी ना, तो मैंने थोड़ी ज़्यादा करके ले ली क्योंकि हलवे बनाने के काम आएगी, क्योंकि हम सबको बहुत पसंद है गाजर का हलवा और हेल्दी तो है ही है। सो आज बनेगा गाजर का हलवा। आप भी अगर बनाना चाहते हो घर पे गाजर का हलवा, तो देखो ऐसी ही रेड रेड एंड लंबी लंबी थोड़ी सी मोटी गाजर आप लेके आओ, तो
तो इसको ना कद्दूकस करने में भी इजी रहता है। सो फटाफट इसे बनाते हैं और मन्नू तो कल ही सुबह खा पाएंगे, मैं भी कल सुबह ही खाऊंगी क्योंकि गाजर का हलवा ना ठंडा बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सो फटाफट अभी मेरा डिनर विनर भी सब कुछ हो चुका है और किचन आप देख सकते हो पूरी क्लीन कर दी है मैंने। एंड ये घी का डब्बा यहाँ क्या कर रहा है, सो ये देखो। एंड ये गाजर मेरी ये है, बस इसको कद्दूकस करती हूँ उसके बाद हम सो ही जाएंगे। सो मिलूंगी फ्रेंड्स आज, अभी का व्लॉग जो है मैं यहाँ पर एंड कर देती हूँ बट इसी को कंटिन्यू करूँगी मैं कल सुबह मॉर्निंग से। तो गुड नाइट, बाय बाय फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिए एंड गुड नाइट। सबसे पहले हम जो गाजर है, जो कद्दूकस करी हुई गाजर है, उसको बॉइल कर लेंगे। उसके बाद इसमें मतलब मैं आने देंगी, इसमें 3-4 सीटी आने दूंगी जो अच्छे से जो गाजर है वो मैश हो जाए, अच्छे से सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद हम बनाएंगे इसकी मतलब। फ्रेंड्स यहाँ पे सुबह का ब्रेकफास्ट जो है वो बन चुका है। यहाँ पे है इवा का दलिया एंड यहाँ पे मेरा दलिया विथ टोमेटो एंड अनियन, जो कि इसको मिक्स करके फिर इसमें नींबू निचोड़ के बहुत ही टेस्टी एंड यम्मी बन जाता है। तो सुबह सुबह आजकल ब्रेकफास्ट में हम लोग यही लेते हैं मोस्टली। फ्रेंड्स अभी देखो ईवा बैठी है ऊपर और ईवा को संतरे छिल छिल के खिला रही हूँ मैं। वैसे तो खाती नहीं है, बस थोड़ी देर मैंने सोचा मोबाइल लेके खा ले, खा तो ले कम से कम, क्योंकि वो है ना। फ्रेंड्स हो गई है शाम एंड ईवा और मैं इतना ज़्यादा लेट उठे, मतलब लेट ही सोए थे, 5:30 बजे उठे, बिल्कुल अंधेरा हो चुका था। सो अभी मैंने सब्जी बनाई है यहाँ पर, ड्राई आलू देख सकते हो आप छोटे छोटे से काट के, एंड यहाँ पे बन गए मेरे मतलब पालक उबल गई, अभी बनेगा पालक पनीर। सो फटाफट से खाना बनाते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद आपसे मिलते हैं क्योंकि आज भी हस्बैंड तो आने वाले हैं नहीं ड्यूटी से, लेकिन ही वह ड्राई सब्जी के साथ नहीं खा पाती है, उसको एक लिक्विड वाली सब्जी भी चाहिए होती है, तो इस चक्कर से मुझे 2 सब्जियाँ बनानी पड़ती हैं। सो फटाफट ये वाली भी रेडी हो रही है एंड वो वाली भी रेडी करती हूँ, तो मिलती हूँ मैं आपसे। फ्रेंड्स यहाँ पर मेरी जो आलू वाली सब्जी थी वो आपने देखी कि वो रेडी हो चुकी है। सो अभी जो मेरी पालक पनीर की रेसिपी मतलब सब्जी है, रेसिपी नहीं बोलूँगी, सो वो भी यहाँ पे रेडी हो रही है। देखो मसाला रेडी हो गया अच्छे से, देखो मसाला एकदम रेडी हो गया और कितना प्यारा कलर आया है। अभी थोड़ा सा और पकने देंगे एंड ये ना थोड़ा सा पनीर जो है मेरे ना एक साइड से हल्के से ज़्यादा मतलब फ्राई हो गए हैं, मतलब जले नहीं है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि जले बट जले नहीं है, ज़्यादा मतलब ज़्यादा डार्क शेड ब्राउन आ गया इसमें। मन्नू तो आने वाले हैं नहीं, तो फटाफट से रोटी भी बना लेंगी एंड सबसे पहले ईवा को खिलाऊंगी, उसके बाद मैं खा लूँगी। सो अभी फटाफट पालक पनीर की सब्जी बनाते हैं, उसके बाद मेरा एक सीरियल भी आने वाला है, फटाफट से वो देखने अंदर जाती हूँ। सो फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, आपसे एक बात और करनी थी मुझे, मतलब आप लोग ना बिल्कुल कमेंट्स नहीं करते हो, पता नहीं क्या ही हो जाता है कि आप भूल जाते हो या लाइक करना भूल जाते हो। जो लोग करते हैं थैंक यू सो मच, जो लोग वीडियो देखते हैं उनको भी थैंक यू सो मच, लेकिन प्लीज़ वीडियो को शेयर एंड लाइक, एंड जो लोग नए हैं हमारी वीडियो में प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन है वहाँ पर उसे भी प्रेस कर दीजिए, जो भी हमारी नई वीडियोस जो भी कुछ आएगा वो सब कुछ आपको सबसे पहले मिल जाएगा, तो नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको कि कुछ आ चुका है हमारा। एंड आगे इन फ्यूचर बहुत सारी नई चीज़ें करेंगे यूट्यूब से रिलेटेड, वीडियो रिलेटेड कुछ खरीदेंगे, तो सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। अभी प्लान कर रही हूँ, अभी कुछ ऐसे लेने का है नहीं, बट इन फ्यूचर मैं प्लान कर रही हूँ कि अगर मेरा स्कोप यही रहा तो आगे कुछ ज़रूर करेंगे। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर भी कर दीजिए आप लोग, एंड अगर आप लोग को हमारी वीडियोज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट्स। अभी मिलती हूँ मैं आपसे। खाना फ्रेंड्स सिर्फ 2 लोगों के लिए बनता है क्योंकि हस्बैंड का तो ऐसा रहता है ना कि ड्यूटी में कभी आना है कभी नहीं आना है। सो लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अभी बेमन से बनाती हूँ कि नहीं मैं ही हूँ, कुछ बनाती हूँ ये सोच के बनाती हूँ कि ईवा को भी खाना है। अभी मैं सिर्फ अकेले थी जब तक, तब तक तो चल जाता था कि मैगी खा लो कुछ भी खा लो, बट अभी ईवा का सवाल है तो उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। सो अभी जो सब्जी है मेरी ड्राई आलू ईवा को जो बहुत ज़्यादा पसंद है, ये देखो मेरे बन चुके हैं एंड साथ में अभी मेरा दही भी आ गया है, ठंडा है आई नो, पसंद है तो थोड़ा थोड़ा दही हल्का सा गुनगुना करके मैं दे देती हूँ, मट्ठा पिए या वो चीनी डाल के खाए क्योंकि उसे पसंद है, मुझे भी पर्सनली पसंद है। सो फटाफट से सब्जी बनाते हैं एंड सीरियल स्टार्ट होने वाला है, फिर मिलती हूँ आपसे। ये देखो मेरे दोनों क्यूट से पग आज कहाँ पर जाके बैठे, जॉय तो बैठा ही था, ये देखो बांदा भी नहीं है खुद आके बैठे, और काइली भी देखो कहाँ आके बैठी, और डियाना नीचे से देख रही है इनको, ये देखो।